हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 का आज पार्ट 4। और आज के पार्ट 4 में हम जानने वाले हैं क्या, लेट्स सी। सो आज हम उदाहरण को देखेंगे, एनसीईआरटी से उदाहरण 4.2, उदाहरण 4.3 और आवेग के बारे में। आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 4.2, क्या कहा गया उदाहरण 4.2 में। सो जो एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं ये गति के द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से है हम देखने वाले हैं, ठीक है। उदाहरण 4.2 में कहा गया है 90 मीटर पर सेकेंड चाल से गतिमान, बट इज दिस इज अवर वेग, वेग यू से गतिमान 0.04 kg, दिस इज मास यानी कि द्रव्यमान की कोई गोली है। क्या है? गोली है जो कि लकड़ी के भारे गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूर इधर रुक कर जाती है। ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है? तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक गोली है जो कि 90 मीटर पर सेकंड के चाल से गतिमान है, और उसका द्रव्यमान कितना है गोली का, वो है 0.04 kg। गोली गुटके में धस जाती है, कितनी दूरी तक धसती है, 60 सेंटीमीटर तक। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये निकालना है कि गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला जो औसत अवरोधी बल होगा वो कितना होगा। अगर हम बल को निकालना है तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला क्या है? यस, वो फॉर्मूला है F इज़ टू ma, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारे वैल्यू गिवन है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास द्रव्यमान तो गिवन है उस गोली का, लेकिन हमारे पास एक्सलरेशन नहीं है, हमारे पास त्वरण नहीं है। अब हमें त्वरण निकालना पड़ेगा पहले, एंड जब हमारे पास त्वरण आ जाएगा देन हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। तो आप पता कीजिए कि आप त्वरण कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो ऑफ कोर्स हम सही डायरेक्शन में हैं, हम जानते हैं गति का समीकरण को। गति का समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सॉरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारा फॉर्मूला होता है गति का समीकरण, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास कोई अंतिम वैल्यू नहीं है और स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए, क्योंकि हमारे पास एस भी दे, एस क्या है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है हम यहाँ पे एक्सलरेशन जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास एक्सलरेशन निकल जाएगा तो हमारे पास बल भी निकल जाएगा। इसको खुद करने की कोशिश कीजिए एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने माना है यहाँ से हमने एक्सलेशन निकाला और वो आएगा ए बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और जो दूरी है क्योंकि वो सेंटीमीटर में है तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद वो आ जाएगा 0.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तुरंत की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारे पास ए निकल चुका है तो हमारे साथ बल भी निकल जाएगा, बल बराबर होता है एफ इजिकल्स टू एम, ये हमारे पास एम है, ये हमारे पास ए है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बल निकल चुका है 270 न्यूटन। ओके, आगे बढ़ते हैं उदाहरण 4.3 की तरफ। उदाहरण 4.3 में कहा गया है द्रव्यमान एम के कण की गति जो है ये है, गति के लिए एक समीकरण दे रखा है, उस कण पर लगने वाला बल हमें निकालना है। क्या निकालना है, बल। ओके, जो कण की गति है वो हमारे पास दे रखे हैं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। y क्या है, y जो है बेसिकली वो क्या है, विस्थापन है उस कण का, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके समीकरण हमारे पास ये गिवन है और हमें निकालना है बल। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा एक क्या देख लेते हैं, हमें देख लेते हैं कि समीकरण को हम डिराइव कैसे करते हैं। ये गति के समीकरण है, इसको डिराइव कैसे करते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि s, s क्या होता है, s होता है विस्थापन, s बराबर होता है s1 प्लस s2। पहला जो विस्थापन होगा वो होगा वेग के कारण, दूसरा जो विस्थापन होगा वो होगा त्वरण के कारण। अगर हम फर्स्ट s1 को निकालें तो s1 को कैलकुलेट करें तो वो होता है s1 बराबर ut अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नियम, s इक्वल्स टू ut, क्योंकि प्रारंभिक वेग के कारण विस्थापन है। अगर हम दूसरे को निकालने जाएं तो उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी dv अपॉन dt, ठीक है। इसको अगर हम समाकलन करें यानी इंटीग्रेशन अगर इसका करें तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ dv। ओके, इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा वी बराबर जी टी प्लस सी। यहाँ पर जी क्या है, जी है गुरुत्वाकर्षण के कारण एक कांस्टेंट, और सी क्या है ऑफ कोर्स समाकलन का स्थिरांक होता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो है हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेग समीकरण का समय के सापेक्ष समाकलन करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास वो आ जाता है एस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस टू की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर सी जी प्लस डी। देखिए जो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है वी की इक्वेशन जो है, इसको हम टी के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एस टू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एस टू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एस टू बराबर हाफ जी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। यहाँ पर क्योंकि प्रारंभिक वेग जो है सी बराबर जीरो है और डी को हम एक चुन लेते हैं दैट इज जीरो। जब ऐसा होता है तो हमारे पास एस टू की वैल्यू आ जाती है हाफ जी टी का स्क्वायर। स्टार्टिंग में हमें देखा था जो एस होता है वो बराबर है एस वन प्लस एस टू के, एस वन हमने निकाला था यूटी और एस टू को अभी अभी हमने निकाल दिया दैट इज हाफ जे टी स्क्वायर। तुम्हारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वही वैल्यू है जो हमारे में क्वेश्चन पे गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हम जानते हैं कि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या निकालना है, अगेन हम याद करते हैं यहाँ से हमें निकालना है बल। यहाँ से हमें किसी तरह से बल निकालना, हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए जो हमारे पास वाई है वो और कुछ नहीं वो विस्थापन है। ठीक है, अगर हम इसका अवकलन करें, अगर हम इसको क्या करें डिफ्रेंशिएशन इसको करें टी के सापेक्ष में, तो हमें मिलेगा कि अगर हम विस्थापन का सा विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं इसको, यस इसको कहते हैं वेग। तो ये आ जाएगा वेग बराबर हो जाएगा यू, इसको सापेक्ष करो इसको डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना आएगा यू आएगा, राइट। टी के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष में हमको उसको डिफरेंशिएशन करना है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा जी टी। ठीक है, अगेन अब हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे पास आ जाएगा ए बराबर डी वी अपॉन डी टी बराबर जी। अब क्या करा हमने, अब हमें अगेन इसको डिफरेंशिएशन करा, देखो वी वी का डिफरेंशिएशन करो टी के सापेक्ष दोबारा तो क्या आ जाएगा त्वरण मिल जाएगा हमें, और अगर हम इसको दोबारा से टी के सापेक्ष में समा सॉरी 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 डिफरेंशिएशन करें तो यू क्योंकि एक नियतांक है एक कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बराबर जी। ठीक है, ए बराबर आ जाएगा जी, और हम जानते हैं बल का जो सूत्र होता है वो बराबर होता है एफ बराबर एम ए, और ए की जगह हमारे पास आ चुका है जी तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर एम जी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास निकल गया बल, बल बराबर होगा एफ बराबर होगा एम जी। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं आवेग को, आवेग को कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, देखो आवेग जो होता है वो क्या होता है, आवेग जो बराबर होता है वो होता है बल और समय। बल और समय का जो गुणनफल होता है जो कि पिंड का संवेग परिवर्तन है, एक मापने योग्य राशि है, इस गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अवधि। तो आवेग जब भी हम लिखेंगे तो आवेग को हम लिखते हैं एफ बराबर एफ टी। ठीक है, या फिर हम आवेग को ये भी कहते हैं कि आवेग जो होता है कुछ नहीं संवेग में परिवर्तन जो होगा वो क्या होता है, संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम आवेग कहते हैं, या फिर आवेग जो होता है वो बल गुणा समय अवधि के बराबर होता है। परिमित संवेग परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को आवेगी बल कहते हैं। देखिए आवेग को अगर हम जनरल लाइफ में अपने समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आवेग को हम तब देखेंगे जब किसी पिंड पर, मान लो कोई पिंड है जिस पर बहुत बहुत ज्यादा बल लगा, उस पर बहुत ज्यादा बल लगा और जो बल लगने के बाद उसका संवेग में परिवर्तन हुआ वो बहुत कम समय के लिए हुआ, बहुत कम समय के लिए उसमें संवेग परिवर्तन देखा गया, किसके फलस्वरूप, एक बहुत बड़े बल के फलस्वरूप, उसे हम कहते हैं आवेग। ठीक है, इसको समझते हैं हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखना, एक बॉल आई जिसने बॉल फेंकी, वो जो बॉल जो हमने फेंकी थी वो बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकी थी, यानी उस बॉल पर जो बल था उस बॉल को हमने फेंका, बॉल को फेंकने के बाद जब किसी ने बैट से मारा उस बॉल को तो बॉल को बहुत तेज से मारा गया, उस बॉल पर बहुत तेज से बल लगाया गया, और बल जो लगाया गया था बॉल पे वो आप ध्यान से देखिए वो थोड़े टाइम के लिए लगाया गया, जो बल था वो थोड़े टाइम के लिए बल लगाया गया, लेकिन
उस बॉल पर जो संवेग परिवर्तन वो बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इससे हमें ये समझने मिलता है आवेग को। आवेग जो होता है इसको हम जो प्रतीक है वो जे से प्रदर्शित करते हैं। याद कीजिए, संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते थे? पी से। और आवेग को हम प्रदर्शित करते हैं जे से। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेग भी एक सदिश राशि होती है संवेग की तरह। आवेग की दिशा जो होती है वो बल के अनुदिश होती है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू। हमने देखा कि आवेग जो होता है वो बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं। आवेग तब होता है जब किसी बल की अवधि, कोई बल जो लगा था उसकी अवधि सामान्य समय से कम होती है। हमने देखा था जो बॉल पर जो बल लग रहा था बैट के द्वारा वो बहुत कम समय के लग रहा था। इसे लोकप्रिय रूप से आवेगी बल के रूप में भी हम जानते हैं। पूर्व अपेक्षा ये है कि हमें गति का द्वितीय नियम और गति के समीकरण पता होने चाहिए सैंपल्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उदाहरण 4.4 को और न्यूटन के गति के तृतीय नियम को। तो थैंक यू।